हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी मिलेट्स की रेसिपी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को मनाया गया है। इसे मोटा अनाज भी कहते हैं। हम सबको अपने डाइट में मोटा अनाज को शामिल ज़रूर करना चाहिए, इससे बहुत हेल्थ बेनिफिट होता है। आज मैं आपको कोदो या कुट्टी की रेसिपी बताऊंगी। इस कोदो में बहुत सारे फाइबर और प्रोटीन होते हैं और फैट तो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम और जिंक भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी से पीड़ित जो रहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसे बनाने के लिए हमको सबसे पहले कोदो को 3-4 बार अच्छी तरह से धो लेना है और फिर इसको 1 कप, मान लीजिए कोदो लेंगे तो 6 कप पानी लेंगे। पानी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेना है और जैसे पानी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो इसको दे देना है। और एक बात बताना भूल गई, कोदो को बनाने से 2 घंटा पहले उसको धो करके फुला पानी में भिगो करके रखना है, तब जो है बहुत अच्छी तरह से खिला खिला बनेगा चावल के जैसा। और इस तरह से बीच बीच में चलाएंगे और थोड़ा चेक करेंगे इस टाइम पर जो हो गया है कि नहीं। जैसे हम लोग चावल चेक करते हैं उसी तरह चेक करेंगे, हम चेक हो गया जैसे चावल का मान निकालते हैं उसी तरह से इसका भी हम मान निकाल लेंगे। और अगर थोड़ा सा रह जाता है तो उसको फिर से हम थोड़ा सा गैस को ऑन करके लो फ्लेम पर उसको करेंगे, तब जो है जितना एक्स्ट्रा मान रहेगा वो जो है सूख जाएगा और एकदम चावल के जैसे बनेगा मिलेट्स। अगर आप लोग इस तरह से खाइएगा तो चावल खाना भूल जाइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और ये मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।